ਸਾਵਾਦਾ ਵੀਰ ਮੈਨੇ ਸਿੱਖਾ ਪਧਿੰਗ ਸਮਾਧਿਆਮੀ सभी साथियों को सभी समन संघ के साथी बहनों और भाइयों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। आज मुझे विद पीपल जो समन संघ है इसका कंसेप्ट बताने का मौका मिला है, इसलिए मैं सभी यहाँ पर उपस्थित 122 साथियों का यहाँ पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका माइक म्यूट हो गया शायद कट के, सर अपना आपका माइक देखिएगा म्यूट हो गया। हाँ जी, ओके ओके, थैंक यू। तो आज मैं कंसेप्ट बताने से पहले बताना चाहता हूँ कि विद पीपल का जो संघ है, इस संघ का इतिहास क्या है, इतिहास में ये संघ क्या था, कैसा था, उस इतिहास से हमें आज का संघ निर्माण करने में, समन संघ निर्माण करने में हमारी भूमिका क्या होगी, हमें क्या करना होगा, संघ का लीडर कौन है, संघ किस लीडर के शिक्षा से, किस लीडर के माध्यम से चलता है, और संघ में जुड़ने के बाद हमें क्या करना है, हमारा क्या कर्तव्य है, इसके बारे में मैं थोड़ी देर में, वह अमन संघ है जो कि आज यहाँ पर करीब 126 लोग हम लोग जुड़े हुए हैं। ये सभी समन संघ के साथी हैं, मेंबर हैं। एक बात ऐसी है कि संघ में कोई लीडर नहीं होता, यहाँ पर कलेक्टिव लीडरशिप होती है, सभी लोग इकट्ठा आते हैं, एकादी सोच, एकादा विचार, एकादी बात किसी के मन में अगर आ जाती है तो जैसे जैसे समन संघ से साथी जुड़ जाते हैं, 10-15 दिन 20 दिन के बाद उनको समन संघ की कंसेप्ट की भूमिका पता चल जाती है, वो समन संघ का धीरे धीरे मेंबर बन जाता है और वो एक समन संघ का एक अटूट हिस्सा बनता है। तो उसकी कितनी जो, उसका कितना जुड़ाव प्रति है, उसके बाद उसको का स्पोक बनाया जाता है, स्पोक यानी प्रवक्ता, और जो भी संघ का मेंबर बन जाता है, सभा होती है और उस सभा में, उस पार्लियामेंट में अगर किसी के मन में कोई बात हो तो वो बात वो संघ में रख सकता है, अपनी सोच रख सकता है। उस संघ में जो जिसने, जिस किसी साथी ने, जिस किसी स्पोक ने जो भी बात रखी, उस बात पर विचार विमर्श होता है और अंततः रहे उसकी जो सोच है उसको स्वीकार किया जाता है। ये संघ का मूल ढांचा है। अब संघ का ये संगठन क्यों नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं, हर दिन बताया जाता है कि हमारे भारत में करीब करीब SC ST OBC के उसमें 4 से 4.5 लाख संगठन जो एक्टिव संगठन है। अब ये संगठन और संघ में क्या फर्क है, तो संगठन का एक नेता होता है, संगठन में लीडरशिप होने के बाद जो अगर संघ का नेता, संगठन का नेता अगर सोचता है कि ये बात करनी है, ये बात नहीं करनी है, तो उसको होल सेल पावर होता है, और वो जो होल सेल पावर होता है वो या फिर कोई अपना एकदम कट्टर जो फॉलोअर है, जो कि आपको गुरु मानता है, लेकिन वो ऐसा गुरु कि सिर्फ वो आपको क्रॉस नहीं करता, जैसी बात वो मानता है उसके साथ वो जोड़ देता है। लेकिन कलेक्टिव लीडरशिप होती है, संघ का निर्णय सारे लोग इकट्ठा होने के बाद, उसके ऊपर विचार विनिमय करने के बाद ही होता है, उसके ऊपर सभी को आचरण करना होता है। अब ये संघ का इतिहास कैसे हुआ, तो ये इतिहास जाता है तथागत बुद्ध से पहले। अगर हम लोग बुद्ध एंड इस धम्मा, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, ये बाबा साहब की लिखित किताब अगर पढ़ते हैं तो उसमें बाबा साहब जिक्र करते हैं कि तथागत बुद्ध जो थे, जो सम्मन गौतम थे, सिद्धार्थ थे,
वो जब समन संघ के मेंबर थे तो उस संघ के मेंबर को कुछ 20 प्रकार के रूल हुआ करते थे, उस रूल को फॉलो करना होता था, और अगर उस संघ का नियम का उसने अगर उल्लंघन किया तो उसको उस संघ से निष्कासित किया जाता है। तो आपको ये पता है कि भगवान बुद्ध के समय में जब शाक्य और कोलियों के बीच में विवाद हुआ, युद्ध की स्थिति आई, फिर शाक्यों ने डिसाइड किया कि कोलियों के ऊपर हमें आक्रमण करना चाहिए और उसके लिए सेना का निर्माण करना चाहिए, लोग थे उनका आर्मी में भर्ती करना कंपलसरी कर दिया गया था। लेकिन गौतम सिद्धार्थ गौतम ऐसे थे कि वो चाहते थे कि कोई भी बात युद्ध से हल नहीं होती, तो वो बात चर्चा से हल होती है। तो सिद्धार्थ गौतम उस संघ के सामने अकेले पड़े और वहां के जो मंत्री थे वो मंत्रियों ने कहा कि सिद्धार्थ ने या सिद्धार्थ गौतम ने तो संघ का रूल फॉलो नहीं किया है, उसने कट के सर, इसने आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। नहीं थे इसलिए संघ से, ठीक नहीं आ रही आवाज, आवाज कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती है। आ रही सर, ठीक आ रही है, का प्रॉब्लम है। हाँ सर ठीक आ रही है, बस थोड़ा थोड़ा कभी कभी होता है। बोलिए सर, कंटिन्यू करें सर। तो तथागत बुद्ध को जब संघ से निष्कासित कर दिया गया, सत्य के ऊपर बहुत खंबीर थे, अकेले थे, लेकिन संघ के रूल के मुताबिक जो संघ का नियम होता है वो उनको फॉलो करना उनको पड़ा था। इसीलिए बुद्ध चाहते थे कि युद्ध नहीं हो, क्योंकि चर्चा से ही कोई भी बात उसका हल निकलता है। लेकिन संघ ने बुद्ध को निष्कासित कर दिया, फिर बाद में आप हम सबको पता है कि संघ का इतिहास क्या है। बुद्ध को निष्कासित कर दिया और बुद्ध फिर निकल पड़े कि इस समस्या का समाधान क्या है। तो बुद्ध फिर बुद्ध हुए, ये सभी को पता है। जब तथागत हुआ कि लोग जुड़ते क्यों नहीं है, क्यों जुड़ते नहीं है, क्यों अलग अलग सोच रखते हैं, क्यों लोग एक दूसरे के साथ व्यवहार ठीक से नहीं रखते, इन्हीं बातों पर तथागत बुद्ध ने रिसर्च किया और भगवान बुद्ध का धम्म जो है वो 8 अंगों वाला धम्म उन्होंने जान लिया। हम जानते हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक वाचा, सम्यक कम्मन्तो, सम्यक समाधि, सम्यक जो है, ये 8 अंगों वाला जो संघ है, जो धम्म है, तथागत बुद्ध ने उसको रिसर्च किया और उसी के ऊपर फिर बुद्ध ने पंचवर्गीय भिक्खु को, बाद में यश और उनके 55 लोगों को, ऐसे 60 लोग जब जुड़े तो बुद्ध ने इकट्ठा क्यों आना चाहिए, हम संघ का रूप क्यों बनना चाहिए, और वही बात फिर वो करीब करीब 45 साल तक फैलाते रहे। उसका परिणाम ये हुआ कि लोग आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करते थे और इकट्ठा आया करते थे। ऐसे ही वज्जी लोग जो वैशाली में थे, ऐसे ही संघ के नियम के रूल के ऊपर चलते थे और वो अपना जीवन का आचरण करते थे। जब अजात शत्रु राजा को वज्जी के ऊपर आक्रमण करना था तो उन्होंने अपने वस्त्रकार जो मिलिट्री का हेड था उसको भेजा, उसको बोला कि कौन सी बात ऐसी है कि जिसकी वजह से हम लोग वज्जी लोगों को हम अपने राज्य में समाविष्ट कर सके, इसकी बात जाओ और तथागत बुद्ध से पूछ लो। तो बुद्ध ने ये बात आनंद को कही और बुद्ध ने कहा कि जब तक वज्जी लोग ये संघ के 7 नियम है, 7 नियमों का जब तक पालन करते रहेंगे, वज्जू को कोई भी हरा नहीं सकता। यही बात बुद्ध ने संघ में जो धम्म की बात जो संघ में कही, उसका परिणाम ऐसे हुआ कि लोग विपस्यना करते थे, आनापाना करते थे, मेत्ता भावना करते थे, आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करते थे, पंचशील, अष्टशील, दशशील का पालन करते थे, और जो जो भी उपासक उपासिकाएं जो भी गंभीरता से पालन करना चाहते थे, फिर वो भिक्खु और भिक्खुनी बन जाते थे। तो बुद्ध ने फिर उसको 4 डेफिनेशन दिए, एक भिक्खु का संघ तैयार किया, दूसरा भिक्खुनी का संघ तैयार, उपासियों का संघ तैयार किया। चारों संघ को जो पंचशील, अष्टशील, दशशील का पालन करना अनिवार्य था। हालांकि भिक्खुओं को 311 नियम और 373 नियम भिक्खुनियों को ये कंपलसरी करा दिए, लेकिन जो उपासक संघ और उपासिका संघ के लोग थे
उनको पंचशील और अष्टशील का पालन करना अनिवार्य बनाया गया, लेकिन आर्य अष्टांगिक मार्ग का जो भी पालन करते थे वो कड़वे संघ के मेंबर हो जाते थे। ऐसी बात भारत के उस वक्त के जितने भी इलाके थे, जितने भी जो भी पार्ट्स थे, तो वो सारे बुद्ध धम्म के अंडर में आ गए। और लेकिन ये बात हुई कि 200 साल के बाद तथागत बुद्ध के सम्राट अशोक हुए, हम सभी जानते हैं सम्राट अशोक ने तथागत बुद्ध के धम्म का स्वीकार किया और उन्होंने सोचा कि ये जो मेरा राज्य है, मेरा साम्राज्य है, सारे साम्राज्य के सारे कोने में तथागत बुद्ध का धम्म और उनका संघ चला जाए, उसका प्रचार और प्रसार हो। इसीलिए उन्होंने संघ से लोग और अलग अलग देशों में भेजना शुरू किए। तो अशोक का जो संघ तैयार हुआ था, क्योंकि राजा भी पंचशील का पालन करता था, अष्टशील का पालन करता था, सभी तथागत बुद्ध का धम्म जो है उसका पालन करता। कहता है ऐसा ही विद्या याम धम्म पालना धम्म विधाने सुखियाना गोती थी। मेरा जो राज्य है, मेरे राज्य का कानून कैसा है, तो कहते हैं ऐसा ही विद्या मेरे जो राज्य का जो कानून है, धम्म पालना धम्म विधाने कानून बनाया है, धम्म की जो शिक्षा है उसी शिक्षा के ऊपर राजा, मैं राजा हूं और मेरी सारी प्रजा है उसी के ऊपर चलेंगे और यही धम्म के जो रूल है यही हमारे कानून बनेंगे। और इस कानून से फिर सारा जो भारत वर्ष है, जो जम्बूद्वीप उस वक्त कहा जाता था, वो फिर बुद्ध के धम्म में कंप्लीट आ गया। और हम जानते हैं कि आज का जो भारत है उस भारत से करीब 2.5 गुना बड़ा सम्राट अशोक का भारत जम्बूद्वीप तब था। ये बात हुई कैसे, तो धम्म का आचरण करते थे लोग, मेडिटेशन किया करते थे और एक दूसरे के बीच जितने भी कोई अलग अलग जो उनके विचार थे वो एक एक इकट्ठा एक जगह पर बैठते थे, उसके ऊपर विचार करते थे। और जैसा वज्जी लोगों का उदाहरण तथागत बुद्ध ने दिया, उसी हिसाब से हर गांव में, हर करीब करीब आज के जो तालुका है या जिला है या मंडल क्षेत्र है या फिर राज्य क्षेत्र है, यहाँ पर विहार बनते थे। विहारों के ऊपर फिर बाद में जाकर स्कूल खोले गए और उसकी यूनिवर्सिटियां भी बन गई। तो एक विहार हुआ करता था, वो संघ का आचरण करने वाले धम्म का संघ का आचरण करते थे, उनकी पढ़ाई करते थे और एक दूसरे के प्रति वो लोग संघ का फैलाव किया करते थे। तो ऐसे अशोक के पद चिन्हों पर चलकर जो भारत एक संघ बना, लोग संघ में संघ की आइडिया को फॉलो करते थे और कोई उसका उल्लंघन करता था तो उसका पातिमोक्य होता था, नहीं करता, चाहे किसी विनय का पालन नहीं करता हो तो उसके ऊपर चर्चा होती थी संघ में, फिर एकमत होता था का उल्लंघन किया है, फिर उस भिक्षु को चांस दिया जाता था अपना मत रखने के लिए, उसका आर्गुमेंट होता था, उसके बाद संघ उसके ऊपर कार्रवाई करता था कि इसको इस संघ में रखा जाए या फिर उसको निष्कासित किया जाए। और जब तक उस बना रहता था हर चीज उसको बंधन कारक था। जब भारत संघ बना, वह धम्म के तथागत बुद्ध के धम्म से भारत जब संघ बना, तो अशोक ने ये सारा संघ है सारी दुनिया में फैलाने के लिए काम किया। तो अशोक के पदचिन्ह पे चलकर क्या हुआ, तो भगवान बुद्ध की धम्म सत्ता के विस्तार को 4 चरणों में देखा जा सकता है। तो उस वक्त करीब करीब एशिया पूरा संघमय कैसा हुआ, संघ का स्वरूप कैसे लिया था, तो पहले चरण में धम्म साम्राज्य का विस्तार तथागत के परिनिर्वाण के लगभग 500 वर्ष बाद तक भारत भूमि में होता रहा। पूर्वी भारत से धम्म का विस्तार पहले संपूर्ण भारत में, फिर भारत से बाहर श्रीलंका, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड आदि देशों में हुआ। दूसरे चरण में इस विस्तार का जो संघ और धम्म जो गया, वो उसका केंद्र श्रीलंका और म्यांमार वहां तक गया। उसके बाद श्रीलंका से लेकर धम्म अभियान पर भिक्षु निकलते थे, उन्होंने म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, चाइना, यहाँ की सीमाओं तक धम्म सत्ता को और सुदूर धम्म पीठ स्थापित किए।
उसके बाद तीसरे चरण में वो जो धम्म विस्तार का केंद्र है वो चाइना तक चला गया। अब भारतीय भिक्षु नहीं बल्कि चीनी धम्म प्रचारक बुद्ध धम्म की सत्ता का विस्तार करने लगे। कोरिया, ताइवान, जापान, मंगोलिया, फिलीपींस, सिंगापुर, वियतनाम आदि देशों में बुद्ध धम्म की सत्ता चीन के माध्यम से फिर स्थापित हुई। और चौथे चरण में जबकि बुद्ध का धम्म पश्चिमी और यूरोपीय देशों में प्रवेश कर चुका था, बुद्ध की धम्म सत्ता का विस्तार की जिम्मेदारी पश्चिमी देशों ने ले ली और अब धम्म विस्तार सिर्फ भूभाग या जल मार्ग से नहीं बल्कि वायु मार्ग से और अत्याधुनिक संचार माध्यमों से इंटरनेट, सैटेलाइट, मोबाइल के द्वारा भी हो रहा है। तो ये बुद्ध का धम्म या बुद्ध ने जो संघ बनाया था, ये संघ का प्रचार प्रचार कैसे हुआ? तो जैसे लोग धम्म के ऊपर आचरण करते थे और राजा भी धम्म का आचरण करते थे, राजा धम्म जैसे कि कोगुरियो साम्राज्य था दक्षिण कोरिया में, उसमें पाकवे साम्राज्य था और वो दक्षिण पश्चिम में फिर सिल्ला साम्राज्य तक गया और बुद्ध धम्म की पताका फिर पूरे कोरिया में चली गई। और चीन के बाद फिर चीन में जो चौथी शताब्दी में थे वो फुजियान साम्राज्य था और कोरिया के बाद फिर कुछ भिक्षुओं ने शिंदाओ प्रांत तक लेके गए और ऐसे करते करते करीब 385 ईस्वी तक सारे एशिया में तथागत बुद्ध का धम्म प्रचारित और प्रसारित हुआ। ये हुआ कैसे? क्योंकि ये लोग क्या करते थे, जब भिक्खु जाते थे तो राजाओं के साथ डायलॉग करते थे, राजाओं को डायलॉग करने के बाद वो जो जितने भी लोग थे जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में थे वो भी धम्म का आचरण करते थे, धम्म की दीक्षा लेते थे और फिर वो धीरे धीरे धम्म जो है वो कानून बन जाता था और सभी लोग फिर धम्म का आचरण करते थे और उनका एक संघ बन जाता। और ऐसे लोग आ जाते और फिर अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश किया। इस धम्म की शुरुआत बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 से की, लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि मेरे धम्म का जो संघ मैं बना रहा हूं इसका मूल सिद्धांत क्या है? तो बाबा साहब कहते हैं कि एक तो भारत का संविधान और दूसरा तथागत बुद्ध का धम्म, ये दो मेन बातें मेरी सारी जो फिलॉसफी है उस फिलॉसफी के निचोड़ है। और बाबा साहब संविधान के बारे में कहते हैं कि भारत का जो संविधान है उसका जो मेन मैंडेट या मेन जो संदेश है वो दो बातों में, एक है कि टू क्रिएट कास्टलेस सोसाइटी और दूसरा है टू एस्टैब्लिश एनलाइटमेंट। जाति विरहित समाज की रचना करना और दूसरा प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना। बस आते ही संविधान का मेन क्षेत्र में उन्नति के एक मेन है, तो फिर फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 12 से 35 लेकर 35 तक लेकर, ये भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट्स है। और आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है कि किसी के भी सरकार आए उस सरकार ने आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 का वही इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। तो दूसरी बात बाबा साहब कहते कि कास्टलेस सोसाइटी बनेगी कैसे, तो संविधान के माध्यम से बुद्ध के धम्म का अगर आचरण हम करते जाएंगे और बुद्ध के धम्म का हम जब तक आचरण करेंगे तो फिर हमारा संघ का स्वरूप लिया जाएगा और वो संघ के लोग फिर भगवान बुद्ध के संघ का आचरण करके आइडिया फैलाती जाएंगे। रमेश खटके सर, आप ना अपना वीडियो बंद कर लीजिए, आपकी वॉइस ना ब्रेक हो जाती है, आप वीडियो बंद कर लीजिए फिर बताइए। हाँ सर, आप वीडियो बंद करके बताइए, अब आपकी आवाज बार बार खराब हो रही है। किया सर वीडियो, अब आवाज आ रही है क्लियर? नेट का प्रॉब्लम है थोड़ा। क्लियर। तो बाबा साहब ने कहा अभी हम देख लेते हैं कि भारत का संविधान हमारा लीडर कैसे है। जैसे कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि मयंग पश्यति यो धम्म पश्यति, जो मुझे जानता है वो धम्म को जानता है, कहते हैं कि मेरे जाने के बाद संघ ही धम्म ही आपका लीडर है
और अगर आप धम्म को लीडर मानोगे और संघ में इकट्ठा बने रहोगे तो आपको आपकी यूनिटी को कोई नहीं तोड़ सकता। बाबा साहब ने भी संविधान के माध्यम से हमारे लिए ऐसा ही कुछ फार्मूला दिया है। जैसे कि हम देखते हैं आर्टिकल 14 जो है संविधान का, वो इक्वालिटी की बात करता है। 26 जनवरी 1950 से पहले क्या हमारे समाज में इक्वालिटी थी? हम लोग जो शूद्र लोग थे, अछूत लोग थे, क्या हम सवर्ण लोगों के साथ रहते थे? नहीं रह सकते, कानूनन भी नहीं रह सकते थे। लेकिन जैसे आर्टिकल 14 आया तो संविधान का आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने हर जो नागरिक है इस देश का वो इक्वल होगा। आर्टिकल 15 कहता है कि आप स्त्री हो या पुरुष हो, आपको सबको समान अधिकार मिलेंगे, और चाहे आपका किसी भी रिलीजन हो, कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करते हो, उसका सम्मान किया जाएगा। आर्टिकल 16 हमको कहता है कि आपको सामाजिक स्थिति के आधार पर आपको आरक्षण मिलेगा, नौकरियों में, शिक्षाओं में, हर जगह पर आपको आरक्षण मिलेगा, क्योंकि आप में आपके बीच में क्वालिटी है। आर्टिकल 17 कहता है कि आपको जो अनटचेबिलिटी है वो खत्म कर दी गई है। आर्टिकल 18 तो उससे भी ज्यादा बढ़िया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जितने भी देश के नागरिक है उन नागरिकों को क्या दिया है? क्यों हम संविधान को लीडर मानना चाहिए? और इस देश नागरिक है, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, सवर्ण हो या जो भी कोई हो। आर्टिकल 18 के माध्यम से बाबा साहब ने एक ही आर्टिकल से क्या किया? तो बाबा साहब कहते कि आर्टिकल 18 से जितने भी राजा महाराजा थे सबके अधिकार खत्म कर दिए। अब आर्टिकल 18 के बाद ऐसा हुआ कि जो भी गरीब उस वक्त था वो सभी एक ही लाइन में खड़े थे। तो इसका परिचय हम ऐसा ले सकते हैं कि क्या परिणाम हुआ बाबा साहब ने जो संविधान हमको दिया। जब 1952 में भारत का लोकसभा का पहला चुनाव हुआ, उस वक्त का उदाहरण देता हूं, बाबा साहब ने खुद का इलेक्शन हुआ इस देश में, तो उस वक्त 360 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, सॉरी 400 कुछ तो भी, 410 या कुछ तो भी थे, नंबर मुझे पता नहीं है। तो जब पार्लियामेंट का इलेक्शन होना था तो नेहरू ने 360 लोगों को, ब्राह्मीण लोगों को टिकट दिए, उसमें से 347 ब्राह्मीण समाज के लोग मांगने जाते थे, तो ये गली गली में जाते थे कि आप मुझे वोट दे दो। तो उस वक्त ये बात भी, जितने भी राजा और महाराजा घराने के लोग थे वो बाबा साहब को बुरा कहते थे। वो कहते थे कि ये इंसान ने ये जो संविधान लिखा है, हमको आज हम वोट की लाइन में खड़े हैं, मेरे सामने कोई गरीब आदमी खड़ा है, मैं राजघराने का आदमी हूँ, मैं प्रिंस हूँ। कहते हैं कि पहले हर लोग अपने सामाजिक स्थिति से अलग अलग रहते थे, लेकिन आज संविधान के बाद सभी लोग इकट्ठा हो गए, सभी को समान अधिकार मिले। ऐसे अधिकार संविधान ने हम दिए है, वही संविधान पिछले 70 साल से इस देश में चला आ रहा है। बाबा साहब ने संविधान जो लिखा उस संविधान की वजह से हमें जो भी कुछ अधिकार मिले सारा कुछ संविधान की वजह से मिला है। लेकिन 70 साल में हम लोग इकट्ठा नहीं हुए, हम लोग संगठित नहीं हुए, इसीलिए सत्ता में तो सारे लोग जो संविधान को नहीं मानते थे वही लोग, तो उन्होंने संविधान का इम्प्लीमेंटेशन ईमानदारी से नहीं किया, अपने हिसाब से ही वो धीरे धीरे एससी एसटी ओबीसी के अधिकारों को वो खत्म करते गए। और आज तक ऐसी नौबत आ गई कि हमें संविधान के जितने भी आर्टिकल मैंने बताए हैं उन आर्टिकल से जो मूलभूत अधिकार हमें मिले हैं वो हमारे सारे अधिकार अभी धीरे धीरे एक एक करके हमारे हाथ से छीन लिए गए और आने का छीन लिए जाएंगे। ये क्यों हुआ? जैसे कि संघ के बारे में हम सोचते हैं कि तथागत बुद्ध का जो धम्म है और संघ बना, तो संघ के लोगों ने करीब 500 साल तक संघ का आचरण किया, संघ में इकट्ठा आए, संघ का आचरण करते रहे। उस वजह से सम्राट अशोक का जम्बूद्वीप बना और सम्राट अशोक ने भारत से तथागत बुद्ध का जो संदेश है सारे एशिया में फैलाया और उसके बाद यूरोप तक चला गया, जिसके वजह से डेमोक्रेसी जो है वो डेमोक्रेसी सबसे पहले इस दुनिया
तथागत बुद्ध के विचारों से आई है। बाबा साहब यही कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इक्वलिंग बुद्धिज्म, भारत का संविधान है ये बुद्ध धम्म का प्रतिध्वनि है, इनके धम्म से बाबा साहब ने ली है। इसीलिए इसके माध्यम से पिछले 70 साल से बाबा साहब ने जो अधिकार हमें दिए थे वो आज तक अधिकार चलते रहे, इसके बावजूद कि जो लोग संविधान को विरोध करते थे लेकिन उनको संविधान का पालन करना, संविधान की जो जितनी भी धाराएं वो लागू करना अनिवार्य था, लेकिन उन्होंने एक एक हमारे अधिकार को तोड़ते गए, एक एक अधिकार हमसे छीनते लेके गए। और आज ऐसी नौबत आ गई कि सारे के सारे हमारे अधिकार हमसे छीन ले गए हैं, और अभी हम क्या करना चाहिए? तो बाबा साहब ने और तथागत बुद्ध ने जो संघ का निर्माण किया था इसका मूल मंत्र था कि वो लोग सभी इकट्ठा रहते थे, वो इकट्ठा आते थे, एक जगह पर चर्चा करते थे, अगर किसी में विचारों का अगर कोई लाभ नहीं होता हो, कोई अलग अलग विचार रखते थे, उसके ऊपर चर्चा होती थी, उस चर्चा होने के बाद उसके ऊपर फिर आचरण किया जाता था, उसके ऊपर हमारा जीवन का व्यापन किया जाता था। यही बात हम पिछले 70 साल से करते आ रहे, लेकिन हम इकट्ठा नहीं हुए, इसीलिए हमारे हाथ से भारत के संविधान के सारे भी प्रोविजन छीन लिए गए हैं। आज हमें क्या करना है? आज हमें तथागत बुद्ध की जो शिक्षा, तथागत बुद्ध का जो धम्म है, प्रोविजन अधिकाय है, उस संविधान के जो बेसिक नॉर्म्स है, उस बेसिक नॉर्म को हमको लीडर के रूप में हमारे जीवन में अपनाने चाहिए। और यही बात हम करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा संघ बनता जाएगा। हमारे युगोज होते हैं, किसी के पद की लालसा होती है, पद है किसी के पास, किसी के पास पैसा है, किसी के पास प्रतिष्ठा है, किसी का अहंकार है। अगर जैसे जैसे हम लोग इकट्ठा जाएंगे और हम एक दूसरे के साथ चर्चा करते जाएंगे, एक दूसरे के साथ हर दिन चर्चा करते हैं, हमारे बीच में भी कभी कभी बातों में कुछ अंतर आ जाता है, किसी की बात किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन आखिरकार अगर वो बात अच्छी लगती है तो सभागृह में लाई जाती है और उसके ऊपर एकमत हो जाता है और वो हमारा कानून बन जाता है, और उसी संघ के रूल के मुताबिक हम आचरण करते हैं। जैसे कि हम सब भी छोटे बड़े को, पढ़े लिखे को, अनपढ़ को सर कहते हैं, सभी महिला को हम बहन जी कहते हैं, तो ये जो लोग हैं हम एक दूसरे का आदर करना सीखे हैं, ये संकट आने की वजह से ये बात हो चुकी है। और कल परसों हम लोग 5 तारीख को इस भारत के करीब 200-250 डॉक्टर लोगों का एक संघ है, और उसी की खुशी मनाने के लिए, उसके आचरण और प्रचार प्रसार के लिए हम लोग इकट्ठा हो रहे। ऐसे ही जन को हम लोग दीक्षा भूमि में नागपुर में इकट्ठा हो रहे। यहाँ पर अगर हम धीरे राज्य का हमारा जो संघ है लाखों की संख्या में चला जाएगा, फिर हमारे ऊपर कोई एट्रोसिटी का एक्ट रद्द करने की हिम्मत नहीं करेगा, फिर हमारा आरक्षण हमसे छीन लेने की कोई कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग दिल से जुड़े होंगे, हम लोग एक दूसरे के साथ अब तहे दिल से जुड़े होंगे। तो इसका परिणाम ये होगा कि जैसे जैसे हम जुड़ते जाएंगे, जैसे जैसे जुड़ती जाएंगी, ये ताकत अगर हमें, ताकत का परिणाम अगर हमें देखना है, दिखाना है, तो हमारे साथ अभी कोई इलाज नहीं है, कोई पर्याय नहीं है, हमारे ऊपर कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। हम लोग जब तक इकट्ठा नहीं आएंगे, हेलो सर 5 मिनट रण सिंह जी को देना। जी जी जी, जी अभी अभी जी इनके बाद ही दे दें, इनके बाद ही, वो कंसेप्ट के लिए 5 मिनट के लिए बोला था वो करेंगे। अच्छा रण सिंह जी, क्या सुन पा रहे हैं आप हमें? यस सर मैं तैयार हूँ जी। रण सिंह जी आप भी अपना जो है इस कॉन्सेप्ट पे अपने विचार रखिएगा जी, स्टार्ट करिए।
सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। हमारे सभी बुद्धिजन सभी की बात करते हैं और सबका साथ सबका विचार की बात करते हैं और सबके ज्ञान का मंथन करके सबके कल्याण के लिए निर्णय लेते हैं। अगर सबके साथ और सबके विचार लिए जाते हैं और निर्णय एनालिसिस करके लिया जाता है तो ये मान लीजिए और ये पूरी तरह सच है कि जो निर्णय होता है वो परोपकारी होता है, मंगलकारी होता है और विकास व सुरक्षा के लिए होता है। सबके विकास के लिए, सबकी सुरक्षा के लिए, सबके लिए मंगलकारी होता है। तो सबकी जीत के लिए जैसा कि हमारे सभी साथी बताते हैं, हमारे आदर्श जैसे बाबा साहब भगवान बुद्ध के द्वारा बताया गया है कि सबकी जीत के लिए अगर हमें एक साथ रहना है, एक साथ सबका संख्या बल हो, जो एक दूसरे से अगर जब भी हम यानी कि अगर हमें जीतना है तो हमें मेजोरिटी में आना होगा, दूसरे से ज्यादा होना होगा। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे हम फोर्स की बात करते हैं, वहां किसी भी अभियान में जाने के लिए वहां जो संभावित खतरा होता है या संभावित किसी प्रकार की गलत गतिविधि करने वाले लोग होते हैं, उनसे हम अपनी संख्या लगभग 3 गुना ज्यादा लेके चलते हैं। क्योंकि हर हालत में अगर जीतना है तो हमारी संख्या ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जीतने के बाद उस जगह पे हमारा दबदबा रहना चाहिए, हमारे लोगों का दबदबा रहना चाहिए, हमारा रहना चाहिए और हमें फिर उस को अभियान को आगे भी बढ़ाना है। और आगे बढ़ाने के लिए नेचुरली अगर हमारी संख्या ज्यादा है तो हमारा जो पिछला काम है उसको संभालने के लिए होना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए या उसका विकास के लिए होना चाहिए। तो सबका साथ बहुत ही अहम जरूरी है, सबको हमें साथ जुड़ना चाहिए। अब बात आती है कि संख्या बल क्या वास्तव में जरूरी है किसी अभियान की जीत के लिए या मंजिल प्राप्त करने के लिए? बिल्कुल निश्चित रूप से, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि संख्या बल में सबका साथ होता है, सबका जोश होता है और सब में जीतने के लिए जबरदस्त जोश का प्रवाह होता है। आपकी आवाज म्यूट हो गई सर। कि वो जीत निश्चित है, यही हमारे संघ के गुण है कि सबके लिए न्याय हो, सबके लिए आजादी हो, सबके लिए समानता हो, सबके लिए फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा बंधुता हो। तो इस सब के लिए हमारे पूर्वज हमारे महानुभाव इस प्रयास करते आए हैं और हम सब ने इस चीज में सफलता भी प्राप्त की है। अब मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा 1917 की रशियन रेवोल्यूशन का। आप जानते हैं कि 1917 से पहले जार का शासन होता था, निकोलस द्वितीय का, जो कि जनता के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था, अर्थव्यवस्था का ध्यान नहीं रखता था, सामाजिक ताना बाना का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था, यानी कि समाज के लोगों की सुरक्षा, खाना पीना, रहना सहना, एजुकेशन, कोई ध्यान नहीं रखता था। और राजनीतिक तो किसी का वजूद होता था नहीं उसके बगैर। तो 1917 में एक क्रांति हुई जो कि व्लादिमीर लेनिन के अंडर हुई। सब लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और लेनिन और उनके साथियों ने जनता को अपने साथ जोड़ा, जनता को साथ लिया, जनता को उनका अधिकार के बारे में बताया और जब उन्होंने अभियान आगे बढ़ाया, उस जार के खिलाफ कार्रवाई की, तो उनको सफलता मिली और उनको जो अधिकार चाहिए था, इकोनॉमिकल, सोशल, एजुकेशनल और पॉलिटिकल जितने भी राइट्स थे उनको अपना आप मिल गया। अर्थात इस अभियान के बाद, इस एक साथ जो उन्होंने लड़ाई लड़ी उसके बाद उन्होंने लिबरल गवर्नमेंट ऑफ पीपल वहां बनाई, जिन्होंने सबका साथ रखा, साथ लेकर सबका ध्यान रखा और एक देश को एक सही दिशा में बढ़ने के लिए प्रयास किया। वहीं दूसरा उदाहरण देखिए युगांडा का। वहां एक मिलिट्री शासक ने वहां की जो डेमोक्रेसी थी उसको हटाकर शासन अपना स्थापित कर लिया सॉरी, बहुत ही लोगों का उन्होंने कत्लेआम कराया,
जिसमें विदेशी लोग ज्यादा थे, भारत के भी लोग थे, जो सुनने में आया, मैं भी वहां एक बार गया था 2001-2002 में किसी काम से, तो वहां ये आया कि विदेशी लोगों ने आके युगांडा लोगों को अच्छी डेमोक्रेसी के बारे में, अधिकारों के बारे में जागरूक किया, जिससे वहां के जुंटा को ऐतराज हुआ और उसने डेमोक्रेसी को हटाकर अपना शासन स्थापित किया। लोग अगर वहां आवाज उठाते, साथ साथ अभियान करते रहते, तो शायद इतना लंबा वो मिलिट्री शासन वहां नहीं चलता। अब बात आती है हमारी, हमारे लोगों में, हमारे खून में, हमारे महानुभावों का, हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भगवान बुद्ध, उनकी जो शिक्षा है, उनका भाव है, वो हमारे खून में खुद ही है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने एक साइंटिफिक शिक्षा दी, जो जिन्हें दुनिया का सबसे पहला वैज्ञानिक कहा जाता है, सही और गलत का फर्क बताया, जीवन के प्रति एक सही नजरिया दिया, और जिसे जीवन की एक राह सभी लोगों को मिली, और वो एक सभी के लिए आदर्श देश में नहीं विदेशों में हर जगह है, चाहे कोई हो ना हो, लेकिन भगवान बुद्ध के बारे में हर जगह बात की जाती है, और उन्हीं के आदर्शों को आगे लेकर, उन्हीं की सोच को आगे लेकर बाबा साहब ने कार्रवाई की। आप देखिए, बाबा साहब ने भी 1916-17 से लेके और 38-39 तक, लगभग 45 साल तक, 40-42 साल तक अंग्रेजी सरकार को बराबर चिट्ठी लिखी, किस चीज के बारे में, कि हमारे लोगों की हालत कैसी है, उनकी आर्थिक व्यवस्था कैसी है, उनका रोजगार कैसा है, उनका दयनीय हालत है, कि इनको अधिकार दिया जाए, इनको शिक्षा का मौका दिया जाए, इनको अपॉर्चुनिटी दी जाए। बाबा साहब की डबल लड़ाई थी, एक तो हम सबके लिए लड़ाई थी, और दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन में भी वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपना योगदान देते रहते थे। अब आप देखिए, ज्योतिबा फूले और सावित्री माता के द्वारा भी बहुत पहले हम सबको पढ़ने के लिए स्कूल खोला, और ज्योतिबा फूले साहब ने खुद अपने आप को एजुकेट किया, अपने आप को अच्छी तरह स्थापित किया, अपनी धर्म पत्नी को एजुकेशन दिया, उनको समाज में स्थापित किया, और उनके द्वारा और एक दो और जानकार के द्वारा 1848 में स्कूल खोला। 1850-52 में कई सामाजिक कृतियों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की और आगे भी किया, जिसके बारे में अगर मैं बताऊंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हमारे जो खून में है, हमारी जो सोच समझ में, हमारे समाज में, हमारे समण समाज में एक बहुत गहरी सोच है, जो हमें ताकत देती है, जो शक्ति देती है आगे बढ़ने के लिए। हम झुक नहीं सकते, पीछे नहीं हट सकते, हमें अपना रास्ता बनाना है, और वो भी संघ के माध्यम से, संघ की ताकत से, क्योंकि संघ की ताकत के आगे कोई नहीं रुकता, कोई नहीं ठहर सकता। अब आप देखिए, मैं उदाहरण एक और देना चाहूंगा कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स का कहते हैं कि 1848 में जब उनकी शादी हुई तो एक बेटा पैदा हुआ, और वो जब अपने घर गया तो उनकी पत्नी ने उनसे बोला, सर मेरी आवाज क्या आ रही है? हेलो सर, बढ़िया आ रही है, सर बढ़िया आ रही है, आ रही है। अच्छा सर, जब बेटा पैदा हुआ और जब एक दिन वो अपने घर था, तो उनकी पत्नी ने उनसे बोला कि देखो मैं तो थक गई हूँ, और आप बेटे को गोद में ले लो। वो बेटे को गोद में लेके बैठा रहा, और वो चिंतन में इतना मशगूल हो गया कि उसे यही नहीं मालूम कब सुबह हुआ और कब उनके बेटे का प्राण, कब उनके बेटे प्राण प्रिय जो पुत्र है उनका प्राण चले गए। लोगों ने उनसे पूछा कि जब आप के गोद में था तो आपको महसूस नहीं हुआ? उन्होंने यही जवाब दिया कि भाई मैं तो सर्वहारा के बारे में सोच रहा था, कि मैं कैसे कैसे प्लानिंग बनाऊं, और कैसे कैसे मैं उनके लिए लड़ूं, कैसे कैसे उनके लिए अधिकार लाऊं, ताकि उनके जीवन में सुधार आए। तो ये सब हमारे लिए हमारे बाबा साहब ने किया, जिसकी नींव पीछे से हमारे महानुभावों के द्वारा रखी गई, हमारे आदरणीयों के द्वारा रखी गई, और हमें हर चीज के लिए तैयार किया गया, या हमारे पास हर चीज तैयार है, चाहे कोई लिटरेचर है, शिक्षा का अन्य सामान है, अगर हम उनको अच्छी तरह से पढ़े
अच्छी तरह से लें, तो मेरा ये मानना है हमें और दूसरे लिटरेचर की इतनी जरूरत नहीं है, वो हमारे लिए बहुत काफी है। और उस ज्ञान के बलबूते पे, उसके सहायता से हम एक दूसरे को साथ जोड़ें और एक अभियान बनाएं। उस अभियान का उद्देश्य यही है कि हम एक दूसरे के समस्या जाने, विचार जाने, एक दूसरे को अपने साथ लाएं और उसकी जो संभव अगर हो सके हम मदद करें, चाहे सलाह देकर या और जैसे जैसे हम कई प्रकार से मदद कर सकते हैं वो करें, तब हमारे समाज में, हमारे लोगों में वास्तव में एक नया जोश आएगा। जोश है, अभी भी है और आगे भी रहेगा, लेकिन जो संघ की हमारी कार्रवाई है, जो हमारी काफी दिनों से चल रही है, इसके द्वारा हमारे समाज में, समाज के लोगों में बहुत जोश आ रहा है। धीरे धीरे सब जागरूक हो रहे हैं और बहुत ही लोग जिनके मैं संपर्क में आता हूं कि वो ये इस चीज को कहते हैं कि भाई अब हमारे लिए समन संघ तैयार हो रहा है, हम उनके साथ जुड़ रहे हैं या जुड़ेंगे। तो इसलिए हमें एक साथ होके रहना है, एक साथ आगे बढ़ना है, तभी हम जीतेंगे। अतः ये हमारा समन संघ का ये कहिए कि लाइंस है हमें साथ जोड़ने के लिए कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जिद है हमारी जुड़ने की और जीतने की, जो जुड़ेंगे वो जीतेंगे, जितने जुड़ेंगे उतने ही जीतेंगे, जैसे जुड़ेंगे वैसे जीतेंगे, अब जुड़ेंगे तो अभी जीतेंगे और नहीं जुड़ेंगे तो नहीं जीतेंगे। अतः हमें जीतना है तो अभी जुड़ना है, हम जुड़े और बाकी सभी को जोड़े, क्योंकि हम सबको जीतना है। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद रन सिंह जी। साधु 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 विस्तार से क्लियर किया। बहुत बहुत साधुवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छी बात जो है कटके साहब ने जो है और राम सिंह सर ने जो उदाहरण के साथ जो समझाया है वो गजब है सर, जो उसका कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज एग्जाम्पल के साथ समझाई। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत साधुवाद सर। जो इन्होंने कहा बहुत अच्छा लगा, उसमें मुझे ये ऐड करना चाहता था कि हम लोग हमेशा जो है दुनिया को मटेरियल वर्ल्ड के रूप में सोचते हैं, माने के जैसे मेरे हाथ हो गए, मेरे पैर हो गए, पर एक दुनिया जो है वो एब्स्ट्रैक्ट में भी है या परोक्ष में भी है, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम सोच नहीं सकते। तो जो इन्होंने जो दोनों को तालमेल बताया और जो वो बहुत ही अच्छा रहा, जो बुद्ध कह के गए हैं, जो ये सब बातें हमारा दिमाग है और वो जो दिमाग है हमें और ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। हम सब एक जैसे शरीर की कोशिका होती हैं, उस तरह की कोशिका हैं, और जैसे जैसे हम कोशिकाएं इकट्ठी होती जाएंगे या सेल्स इकट्ठे होते जाएंगे, वैसे वैसे हम अपने दिमाग के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। तो हमें ये जैसे जैसे हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उस तरह से हम अपने आप को अपना शरीर बना रहे हैं। आप दूसरे के साथ मदद करते, चाहे पैसे की मदद ना करो, बड़ी बड़ी चीजें जो हैं, जैसे कि पैसा हो गया, पैसा बेसिकली हम उसको मटेरियल रूप में देखते हैं। अगर हम उसी को सोचें कि पैसा है क्या, तो एक तरह से ये होगा कि जैसे वो एक विश्वास का दूसरा नाम है पैसे का, कि मुझे विश्वास है कि अगर मैं 1000 रुपए लेके जाऊं तो मुझे वो चीज मिल जाएगी। तो जितने भी हम जो देख रहे हैं चीजें एज अ मटेरियल चीजें, वो बेसिकली परोक्ष में काम करती हैं। जो अब अगर हम उसका ज्ञान रखना शुरू करें और उस चीज के ऊपर ध्यान करें, तो हमें पता लगेगा कि हमारे पास जो दिमाग है वो तो बहुत तगड़ा है, बहुत मजबूत है। जो दिमाग है वो सच्चाई का है, बुद्ध का दिमाग, और वो दिमाग सारी दुनिया इस्तेमाल करती है।
जैसे कि ईसाई हो गए उसी दिमाग से चलते हैं, इस्लाम हो गया उसी दिमाग से चलता है, नानक हो गया उसी दिमाग से चलता है। तो जितना भी है, क्योंकि मोटे मोटे दो तरह के दिमाग हैं, एक तो दिमाग है जो भेदभाव रखता है, जो भेदभाव रखता है, जैसे कि यहाँ पे अपने हिंदुस्तान में जातिवाद है, तो हिंदुस्तान में जातिवाद होने से पहले जो विदेश में था, जैसे कि आप बाइबल पढ़ो या कुछ भी पढ़ो, तो ओल्ड टेस्टामेंट में या फिर तोरा हो गया या कोई वेद हो गया, तो उन सब में जो है सन 1800 BC हमराबी करके एक राजा हुआ था, उसने लोगों को चलाने के लिए के ये इस समूह को कैसे उसको वो कंट्रोल करे, तो उसने अपने आप को बोला कि मैं भगवान का प्रतिनिधि, वो उसने शिला लेख लिखवा के रखी है, उसी के बेसिस के ऊपर हमारे सारे कोर्ट सिस्टम्स और सब कुछ बने हुए हैं, और उस हमराबी की जो तस्वीरें हैं आपको मिलेंगी बहुत सारे कोर्टों में, यहाँ तक अमेरिका के कई कोर्टों में हैं। तो वो जो विचार था उसके अगेंस्ट जो है ये सारे रिलीजन बने, यहाँ तक कि आप देखेंगे कि इस्लाम जो है वो इतनी तगड़ी तरी से फैला कैसे, वो इसलिए क्योंकि उससे ईरान में ज़ोरोआस्टर का धर्म चलता था, जिसमें के तीन तरह के थे, एक थे मोआब जो ब्राह्मण है जो भगवान के प्रतिनिधि, एक जेंटाइल और एक गुलाम। तो जो गुलाम लोग थे वो बन गए इस्लाम और उन्होंने सबको भगा दिया, तब जाके ये पारसी हमारे देश में आके यहाँ पे बच गए। उसी तरह का वही धर्म जो है विदेश से आके हमारे यहाँ पे जातिवाद बना दिया। तो हम दो तरह की सोच है, एक है अलग अलग करके टियर का के अलग अलग जातियों का, और एक है जो भगवान बुद्ध और सारे धर्म जो भी हैं। तो हमारे अगर हम अपने ज्ञान को समझने की कोशिश करें, अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि हमारे जितने भी महापुरुष थे, चाहे रविदास हो, चाहे कबीर हो, चाहे मीराबाई हो, चाहे कोई भी हो, तो ये सब लोग जो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमें समझा रहे हैं कि देखो आप इतिहास को समझो, इतिहास को पढ़ो, तो हमें पता लगेगा कि हम सिर्फ छोटे छोटे सेल हैं। अगर हम अपना दिमाग को फॉलो करें, जो कि बुद्ध की गाइडेंस है और जो कटके साहब ने बताया कि भैया जो है इस तरह के कानून है, इस तरह तरह के कायदे, देखिए कि नेचर में जो भी चीज है उसमें कोई हर एक चीज का कानून कायदा है। अब उस कानून कायदे को अगर आप फॉलो करें तो ढंग से आपकी चीज बन जाती है, नहीं तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अगर हम इस तरह के जो है हमारे कानून कायदे फॉलो करें और एक शरीर की तरह काम करें हम सभी लोग, तो हमारा शरीर बहुत बड़ा बन सकता है। तो यही जो है सुन के मेरे को दिल में इच्छा हुई ये सबके साथ शेयर करूं। जय भीम। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। साधु साधु।